आज हम मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाले एक ऐसे चमत्कारी दरबार के बारे में जानेंगे जहां सिर्फ आरती और भभूत से इंसान का लकवा दूर करने का दावा किया जाता है। एक ऐसा धाम जहां के चमत्कार की आंखों देखी तस्वीर पर भी भरोसा नहीं होता है, मगर इस धाम में लोगों की अटूट आस्था है। जो लोग अपने पैरों पर चलना तो दूर खड़े तक नहीं हो पाते हैं, ऐसे पैरालिसिस के रोगी जिन्हें कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, उन लोगों के लिए राजस्थान का बुटाटी धाम एक नया सूरज लेकर आता है। इस अनोखे धाम की आस्था की डोर एक संत से बंधी है जिनका नाम है संत चतुरदास जी महाराज। कहते हैं 500 साल पहले बुटाटी गांव में चतुरदास जी महाराज नाम के संत रहते थे। कहा जाता है कि संत चतुरदास जी ने घोर तपस्या करके लोगों को रोगों से मुक्त करने के लिए सिद्धि हासिल की थी। लोगों की आस्था है कि आज भी चतुरदास जी महाराज की शक्ति उस बुटाटी धाम में मौजूद है और संत की समाधि के इतने सालों के बाद भी जनता को रोगों से मुक्त कर रही है। यहाँ के बारे में यह कहा जाता है कि अगर कोई लकवे का मरीज लगातार 7 दिनों तक इस धाम में आकर फेरी लगाता है तो उसकी लकवे की बीमारी ठीक होने लगती है। धाम के अंदर चतुरदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है। धाम पहुंचने वाला हर भक्त पहले इस समाधि के सामने सर झुकाता है, उसके बाद ही लकवे का इलाज शुरू होता है। कहते हैं धाम के इलाज की सारी शक्ति इस समाधि से जुड़ी है। समाधि के अलावा बुटाटी धाम में एक अग्निकुंड भी है। इसी अग्निकुंड से निकली भभूत को लकवे से पीड़ित अपने शरीर पर तेल के साथ मलता है और ऐसा दावा है कि बीमारी का असली इलाज यहीं से शुरू होता है और पिछले करीब 500 साल से इलाज की यह परंपरा आज भी लगातार जारी है।